दोस्तों आज हमने स्टोन का डिज़ाइन बनाएंगे, दुपट्टा भरेंगे। उसके लिए पिंक कलर का मैंने दुपट्टा लिया, ये देखिए। उसके साथ ही जो हमें स्टोन चाहिए रहेगा वाइट कलर का, ये वाला स्टोन, और ये रिंग आती है गोल्ड कलर सर्कल में, ये देखिए इस तरह से, ये मोती जैसी होती है बिल्कुल ऐसे, ये लगेंगे। और ये तीखा वाला स्टोन है जो बोले तो ग्रीन कलर में, येलो और ग्रीन डबल कलर इसके आते हैं, इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही में ये लगेगा वाइट वाला स्टोन, ये थोड़ा साइज में बड़ी है, ये देखिए इस तरह से। और एक ये वाला ग्रीन वाला स्टोन चाहिए रहेगा जो कि ऊपर से डायमंड शेप में दिखता है, ये देखिए इस तरह से ये डायमंड शेप में दिखता है। और एक चाहिए रहेगा गोल्डन लाइन, और जो है गम है वो चाहिए रहेगा। और साथ ही में जो दुपट्टे की जो किनारी है उस पर हम मोती करेंगे, उसके लिए हमें चाहिएंगे ग्रीन कलर के ये छोटे वाले मोती, और साथ ही में हमें चाहिए रहेगा वाइट वाला मोती, ये देखिए ये अभी नया पैटर्न का मोती है, ये देखिए यहाँ पे चमकी आता है इस पर, ये देखिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले दुपट्टे के नीचे अखबार रख लीजिए, मैंने 2-3 ये चिपका के रखे हैं, आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ शुरू से। ये मैंने लगा दिया है। सबसे पहले क्या कीजिए, एक को है ना पहले बना देते हैं, उसके बाद क्या कि इसको बराबर परफेक्ट नाप के फिर हमें आगे चिपकाना पड़ेगा, वरना ये परफेक्ट नहीं बैठेगा। किस तरह से करते हैं ये देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, इस नाप की एक ये गोल्डन लाइन कट कर दीजिए, इस तरह से रखते हुए जितनी इस पर फिट हो जाए, ये ऐसे इधर से कट कर दीजिए, ये इतनी कैची से कट कर दीजिए। ये देखिए मैंने कट कर दी है, तो अब हम इस पर गम लगाएंगे। फिर इसको आसान तरीके से लगाने के लिए क्या कीजिए, ये दोनों मुंह पकड़ लीजिए ऐसे, और इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दीजिए, ये देखिए। ऐसे छोड़ने के बाद फिर ये जो माचिस इसकी तिली या फिर कोई लकड़ी से इसको इस तरह से सेट कर दीजिए, इस तरह से सेट कर दीजिए, ये देखिए हो गया। इसके बाद ये जो वाइट वाले हैं स्टोन, ये हम इसके बाद हम ये वाइट वाले स्टोन लगाएंगे, ये इस तरह से वाइट वाले स्टोन कर दीजिए। अभी इतना हो जाए तो क्या कीजिए, जो येलो कलर की गोल्डन लाइन है ये इस नाप से ये ऐसे करते हुए ये इधर तक ये ऐसे चिपका दीजिए, और ध्यान रहे ये एक बार ऐसे नाप के बहुत सारे ऐसे कट कर लीजिएगा, जैसे कि पहला वाला मैंने चिपकाया है तो इसके बहुत सारे पीस मैंने कट करके रखे हैं, तो जो दूसरा वाला हम कट करेंगे उसके भी बहुत सारे पीस मैंने कट करके रखे हैं, जो कि है ये देखिए इससे इसी के माप के हैं जो कि हमें इसको बॉर्डर में लगाने हैं। जो भी साइज़ इसको फिट बैठेगी उस हिसाब से आप ये लाइन्स कट कर लीजिएगा। इसके बाद इधर गम लगाइए, ये देखिए ये इस तरह से, और फिर इसको इस लाइन को इस पर रखते हुए चिपका दीजिए, ये देखिए इस तरह से। फिर ये जो माचिस की तीली या लकड़ी से इसको अच्छे से सेट कर दीजिए, ये देखिए। जब इतना हो जाए तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके बीच का जो गैप है वो हमें किस तरह से रखना है। एक बूटी पहले बना दीजिए, उसके बाद ही हम ये फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए क्या कीजिए, आपको एक पेपर लीजिए, कोई भी पेपर के टुकड़े लीजिए, और उससे हम ये फिक्स करेंगे। जैसे कि देखिए इसको हम डबल करके देखते हैं, देखिए डबल किया मैंने, ये कट करके रखे, आपको मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए सेम इतनी साइज़ है, तो इसको डबल किया, इतनी साइज छोड़ेंगे तो बोले तो दूसरा हम यहाँ पे इसी के अपोजिट ये वाला स्टोन हम रख सकते हैं, जैसे कि ये इतनी जगह रखने के बाद ये स्टोन हमें यहाँ पे चिपकाना है, ये इधर, ये देखिए मैंने सबके बीच में इतनी जगह रखी, ये देखिए जो ये अपोजिट है इस साइड में, ये दूसरा छोड़ के फिर यहाँ पर, तो जो यहाँ के हैं साइज़ वो भी हम ऐसे देख लेंगे, ये देखिए ये इसको डबल किया तो ये इसकी साइज़ हो गई। तो जो इसके बाद वाला स्टोन होगा हमें वो हमें इस तरह से, जैसे ये इसका मुँह इस साइड रहा तो इस स्टोन का मुँह इस साइड रखेंगे, ये इस तरह से।
ये दोनों स्टोन हम इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए, इसके जो बीच वाला स्टोन का साइज जो गैप है वो मैंने ये पेपर के साइज़ के हिसाब से किया है। ये देखिए, ये जो बड़ी साइज़ का पेपर है, ये देखिए, इस तरह से रखते हुए ये वाला स्टोन मैंने इधर चिपका दिया। जो यहाँ की साइज़ है ये मीडियम लगभग इतनी सी रख दीजिए। इसके लिए भी अगर आपको समझ में ना आए तो पेपर कट्स कर सकते हैं, जो कि इस तरह से निशान करते हुए कि हमें सेम साइज़ में इतना गैप रखना है। तो ये जो मैन टाइम है, ये जो गैप का मैनेजमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, वरना क्या है कि जो बीच का गैप है बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप पेपर ज़रूर कट कीजिए, उसके बाद ये अच्छे से ये ऐसे गैप को रखते हुए चिपकाना है। एक बात का खास ध्यान रखें कि एक बार स्टोन ऐसे लगाना है और दूसरी बार में ये जो पतला वाला हिस्सा है वो एक दूसरे से मिलना चाहिए। एक बार ये मोटा वाला हिस्सा मिलेगा, एक बार पतला वाला हिस्सा। इस तरह से ये पतले ये कोने ये वाले स्टोन हमें चिपकाने हैं, जिससे कि हमारी डिज़ाइन बहुत अच्छी बनेगी। चलिए, जिस तरह से हमने ये किया है वैसे सेम हमें ये वाला भी बना देते हैं। इसके बाद क्या कीजिए कि जो रिंग है इसके माप का एक गोल्डन लाइन कट कर दीजिए, बराबर इसके राउंड में आना चाहिए। देखिए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से, देखिए आ रहा है ना, से ऐसे ही गोल्डन लाइन हमें कट करना है जो कि इसको कवर कर सके। चलिए इसको कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे गम लगाइए और ये सर्कल हमें क्या कहाँ पे करना है पता है, जहाँ पे ये जो जो मोटा वाला हिस्सा राउंड हो रहा है ना वहाँ पे हम ये सर्कल करेंगे। और जो ये पतले वाले हिस्से हैं यहाँ पे तो खाली एक स्टोन लगाएंगे और इधर भी एक स्टोन लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये, और इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल कीजिए और बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गम लेते हुए एक डॉट कर दीजिए। इस डॉट की जगह ये ग्रीन वाला स्टोन लगाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे पहले स्टोन लगाइए, इसके बाद ये रिंग लगाइए। क्या है कि रिंग पहले रखने के बाद स्टोन नहीं लगेगा। ये लगा दिया, अभी क्या कीजिए, जो गोल्डन लाइन कट की थी हमने ये इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे सेट कर दीजिए और माचिस की तीली की सहायता से इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए और उंगली की सहायता से इस जो सर्कल है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे जो बराबर साइज़ में हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से शिफ्ट कर दीजिए। आपको लगे कि गम कम है तो और ले लीजिए। अभी यहाँ पे गम लगाएंगे ये इस तरह से, और जो बाकी का ये गोल्डन लाइन है इसको अच्छे से राउंड में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए पूरा राउंड बना देंगे। ये देखिए ये इस तरह से राउंड बना दिया। ये देखिए राउंड हो गया। इसके बाद क्या कीजिए, जो यहाँ पे है यहाँ पे हम ये वाला स्टोन लगाएंगे, ये वाला जो मोर के पंख के जैसा है। ये देखिए, और ये देखिए, इतना होने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पे इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ये ऐसे वाला स्टोन लगाएंगे। और जो ये कॉर्नर बन रहा है सेम यही स्टोन यहाँ पे लगाएंगे जिसका मुंह ऊपर की ओर होगा, और यही क्रिया हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से। तो जो ये वाला स्टोन है ये लीजिए और ये इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए और ये इधर लगा दीजिए, और इसको भी हम स्टोन लगा देंगे जिसका मुंह हम बाहर की ओर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से लगाते हुए ये हम पूरा करेंगे। जब ये सूख जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा डिज़ाइन, क्योंकि अभी गम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, गम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगाए जिससे कि ये निकले ना। इस तरह से हम ये पूरा कर देंगे। ये देखिए ये पूरा हो गया। इस तरह से हम करते हुए ये दुपट्टे की जो साइड है किनारी है वो हम पूरा स्टोन से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए मैंने बहुत एक लाइन पूरा बनाया है जो कि मैं आपको सूखने के बाद दिखा रही हूँ। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा डिज़ाइन, और ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और जो ये कलर्स हैं ये मल्टी कलर छोड़ रहे हैं, एक बार ब्लू ग्रीन येलो बहुत सारे कलर वेराइटीज़ में मिलते हैं हमें। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया है, और इसके बाद यहाँ पे हम मोती लगाएंगे और बीच में दुपट्टे के बीच में हम इस बूटी बनाएंगे जो कि इस तरह से होगी। चलिए वो हम बनाना शुरू करते हैं आगे। देखिए पूरा हो चुका है किनारी। चलिए पहले हम ऐसा कहते हैं मोती लगा देते हैं, वो फिर इसके बाद दुपट्टे के बीच में बूटी बनाएंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है इसके लिए, दुपट्टे को मैचिंग कलर का धागा ले लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए सुई। इसके लिए सबसे पहले एक ग्रीन लीजिए, एक वाइट लीजिए और वापस ग्रीन लीजिए, तीन लीजिए और थोड़ी सी दूर के बाद सुई निकाल दीजिए। इस तरह से मैचिंग कलर का धागा लीजिएगा। अब ये ग्रीन वाले से, ये देखिए ये ग्रीन वाले से हमें सुई बाहर लेनी है इस तरह से। जब हम स्टार्ट करें तो तीन लीजिए, उसके बाद दो दो ही लेने हैं हमें। तो पहले वाइट लीजिए, उसके बाद ग्रीन लीजिए, ये वाला ये ग्रीन हटा दीजिए। दूसरी बार में हमें ये दो ही मोती लेने हैं, ये देखिए ये इस तरह से। फिर वापस ग्रीन से निकालिए, ये देखिए तो ये बराबर ऐसे बनता जाएगा। इस तरह से दो दो मोती करते हुए पूरा दुपट्टा बनाएंगे हम। बिछा दीजिए और उसके बाद थोड़ी थोड़ी जगह के बाद हमें ये लगाने हैं बूटे बनाने के लिए। आपको जितनी जगह चाहिए उसके हिसाब से कर दीजिए। ये देखिए ये बॉर्डर हो गई है, मोती हो गया, इसके बाद बूटी बनाएंगे। इसके लिए पहले ये जो न्यूज़पेपर है कट करके वो नीचे रखिए अपने दुपट्टे के, उसके बाद जो हरा वाला स्टोन है वो चिपका दीजिए। ये देखिए हरा वाला स्टोन लगा दिया है। इसके बाद इसके राउंड में गम लगाइए और जो ये रिंग है ये रखिए इधर। इसके बाद वापस गम लगाइए, इसके बाद जो ये गोल्डन लाइन है इसको लगाएंगे। किसी माचिस की तीली से इसको बराबर राउंड में लगा दीजिए। सेम इस तरह से हमें पूरा सर्कल बनाना है, जैसे ये है वैसे। इतना होने के बाद हम इधर गम लगाएंगे, इस तरह से चार करने के बाद कीजिए तो क्या आसानी रहेगी आपको, और बीच में दो दो तो पूरा सर्कल अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए अभी जो ये वाला स्टोन है ये लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बूटी तैयार करेंगे। ये सूखने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए इसको ड्राई होने दीजिए। देखिए हमारी बूटी हो चुकी है और ये जो टिकलियाँ हैं थोड़ी थोड़ी देर जगह छोड़ के हमें पूरे दुपट्टे में लगानी है, वाइट वाला स्टोन है। ये देखिए ये वाइट वाला स्टोन है, ये हमें दुपट्टे की थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए पूरे दुपट्टे में लगाना है। इस तरह ये दुपट्टा देखिए पूरा हो चुका है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी डिज़ाइन बन गई है। प्लीज़ अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।